ये दुआ ने तो नहीं बनाई है कॉफी? वो नहीं थी तो मैंने बना दी। तुम्हें एक बात कितनी दफा समझानी पड़ेगी, इस घर का सारा काम दुआ करेगी और तुमने क्या करनी है? निगरानी। जाओ जाके उसको बोलो कॉफी बनाए। वो तो नहीं है। कौन नहीं है? दुआ, वो कहीं नहीं है। उसका कमरा जाके देखो क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है वहां पे। और हाँ, घर की कीमती चीजें भी चेक करना। जी मैडम। मासूमा। जी मैम। अजान को भेजो मेरे पास। अरे दुआ। अजान साहब। कौन? मैं मासूमा। क्या है मासूमा? वो आपको मैडम नीचे बुला रही हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। लगता है सबको पता चल गया। क्या होगा? आपकी मामा ने मुझे इस समय आपके साथ यहाँ देख लिया ना, तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। अजान, कुछ नहीं होगा, तुम बीवी हो मेरी, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मान सकोगे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। मॉम आप क्यों परेशान हो रही? होगी इधर उधर ही, अभी आ जाए। और अगर मेरा कुछ कीमती सामान लेकर गायब हो गई तो फिर क्या होगा? दुआ ऐसी नहीं है। मुझे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे दुआ चाहिए अभी और इसी वक्त। मैडम मैंने सारे कमरों के साथ साथ वॉशरूम्स भी चेक कर लिए, यहाँ तक कि मानी बाबा का कमरा और आजान बाबा का रूम भी चेक कर लिया, वो कहीं नहीं है। मेरे कमरे में भी नहीं है? क्यों, उसे वहां होना चाहिए था। नहीं मैं तो यूं ही कह रहा था, शायद कहीं ना कहीं तो होगी ना, मगर कहां जा सकती है। मैं जानता हूँ आप अंदर, मैं आपको ढूंढना नहीं चाहता, बेहतर है बाहर आ जाए। पता नहीं क्यों आपके किरदार और बदनामी के बावजूद आपकी इज्जत का ख्याल रखने को दिल करता है। कहाँ है वो? जैन भाई की तरफ। तुम्हारी खुद बात हुई है? कमाल करते हैं अजान भाई, दोस्त वो आपके हैं, पूछ मुझसे रहे। बेगम साहिबा मेरी बात हो गई थी, वो खुद आए थे सुबह और लेकर चले गए। देखिए दुआ और अजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।